व्हाट्स अप माय फ्रेंड्स, क्या हालचाल। आई एम रजत शर्मा। इस वीडियो के अंदर हम जल्दी से बात करने वाले हैं एपीएससी सर्टिफिकेशन के बारे में कि एपीएससी सर्टिफिकेशन क्या है। तो एपीएससी सर्टिफिकेशन जो है हमारा प्री ऑथेंटिकेशन ऑफ हमारे एजुकेशन क्रेडेंशियल है। एंड अकॉर्डिंग टू मी ये जर्मन एम्बेसी का एक मास्टर स्ट्रोक है और बहुत अच्छा स्टेप जर्मन एम्बेसी ने लिया है, बिकॉज जर्मनी की एम्बेसी रिसेंट टाइम के अंदर ओवरलोड हो गई थी। इस साल जर्मन एम्बेसी के पास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग एप्लीकेशन आई है इंडिया के अंदर से, तो उनको ये एक स्टेप लेना पड़ा है कि उनको एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना पड़ा है अपना एक साइंस डिवीजन को, और डार्ट के साथ में इन्होंने कोलैबोरेट करके एक एपीएससी सिस्टम एपीएससी इंडिया को लॉन्च करा है। प्रीवियसली बस ये चाइना और वियतनाम के अंदर था, बट अब से ये इंडिया के अंदर भी शुरू कर दिया गया है। एंड इससे ये एक्सपेक्टेड है कि अब जो ये एजुकेशन सर्टिफिकेशन वाला काम है एक डिफरेंट डिवीजन हैंडल करने वाला है, तो जो ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। तो एपीएससी सर्टिफिकेशन जो है ये नवंबर 2022 से कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर आप वीएफएस की अपॉइंटमेंट के लिए विजिट करेंगे 1 नवंबर को भी, तो भी आपको एपीएससी सर्टिफिकेशन उसमें शो करना पड़ेगा। एपीएससी सर्टिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन जो है apsc-india.de जो वेबसाइट है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर अप्लाई करा जा सकता है। एंड इसकी जो एप्लीकेशन होंगी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी। इस प्रोसेस का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 3-4 वीक का बताया जा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, बट इनिशियली पहले हफ्ते में या इनफैक्ट पूरे महीने के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आने के चांसेस हैं। उससे क्या हो सकता है कि ओवरलोड हो सकता है एपीएससी इंडिया डिपार्टमेंट के ऊपर, और हो सकता है जो 3-4 हफ्ते का एस्टिमेटेड टाइम है प्रोसेसिंग का, ये इंक्रीज होकर शुरुआत के कुछ टाइम में मे बी 2 महीने का भी रह सकता है, या फिर हु नोस कि 2.5 या 3 महीने का भी रह सकता है। तो आप जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा होगा। किस किस को एपीएससी सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, अगर आप मास्टर्स के लिए पढ़ना चाहते हैं, बैचलर्स के लिए, स्टूडेंट कॉलेज के लिए, या लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं 90 डेज से ज्यादा वाला, तो सारी सिचुएशन के अंदर आपको एपीएससी सर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। बट सारी सिचुएशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो थोड़े थोड़े से अलग हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोस बना दिए हैं। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं, या फिर जॉब सीकर वीजा पे जा रहे हैं, या वर्क परमिट लेके जा रहे हैं, या चांसन कार्टे के थ्रू इन फ्यूचर अप्लाई करेंगे, तो अभी तक इन प्रोसेस के अंदर ये एपीएससी सर्टिफिकेशन ऐड करने की बात नहीं हो रही है। बट हाई चांसेस हैं कि इन प्रोसेस के अंदर भी आगे फ्यूचर में एपीएससी सर्टिफिकेशन इंक्लूड करा जाएगा, जहां जहां पर एजुकेशन सर्टिफिकेशन या एजुकेशन क्रेडेंशियल की ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और इस सर्टिफिकेशन की कॉस्ट जो है वो है 18,000 रुपए की। अच्छा, पर ये जो एपीएससी सर्टिफिकेशन है स्टार्ट क्यों करा है? जैसे कि ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट है जर्मनी की एम्बेसी का, जो इतना डिलेड प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने का एक बेसिकली अप्रोच है जर्मनी की एम्बेसी की। बट साथ में एक जो मेजर फैक्टर है जिसके लिए जो ये ऑथेंटिकेशन को पेड करा गया है, इस प्रोसेस को सेपरेट करा गया है और इसके ऊपर एक फीस लगाई गई है, उसका मेन रीजन ये है कि जर्मन एम्बेसी ने रिसेंट टाइम के अंदर इंडिया के अंदर 15% फेक एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स एक्नॉलेज किए हैं। तो बेसिकली बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स एंड बहुत ज्यादा एजेंट्स के थ्रू ये बैड प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई थी पिछले कुछ टाइम के अंदर, कि बहुत ज्यादा फेक एजुकेशन डिग्रीज एंड क्रेडेंशियल शो करे जा रहे थे। तो ये सारे इशू जर्मन एम्बेसी के रडार पे ऑलरेडी चल रहे थे, और इसी की वजह से उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम जो वीजा के डिलेज चल रहे हैं वो इसकी वजह से चल रहे थे। मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं, बट उन्होंने जो मेजर फोकस कराया है कि ये जो फेक डॉक्यूमेंट्स थे वो मेजर इशू था। एंड डेफिनेटली बिकॉज नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस साल रिकॉर्ड एप्लीकेशन हुई है, तो जर्मन एम्बेसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया था कि भाई इतनी सारी प्रोसेसिंग करनी है, तो डेफिनेटली उनको बहुत सारे लोग हायर करने हैं, एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बनाना पड़ा। सो दे हैड टू थिंक ऑफ अ बेटर एंड मोर एफिशिएंट वे। सो दैट इज व्हाई जो जर्मन एम्बेसी की एक साइंस डिवीजन होती है, उन्होंने डार्ट के साथ में कोलैब करके ये एपीएस सर्टिफिकेशन लॉन्च करा है। अच्छा, जो ये एपीएससी सर्टिफिकेशन है अब एक्चुअली गुड है या बैड है? बिकॉज ये नया प्रोसेस है, कुछ एक्स्ट्रा फी भी इसके साथ में इन्वॉल्व हो गया है, तो मेरे हिसाब से दिस इज मोर गुड देन बैड। तो खराब चीज एपीएससी सर्टिफिकेशन के अंदर ऑब्वियसली है कि अब आपको 18,000 रुपए थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा, साथ में आपको ये एडिशनल सर्टिफिकेशन वाला प्रोसेस हैंडल करना पड़ेगा अपने टोटल वीजा प्रोसेसिंग के जो साइकिल है उसके अंदर। बट इसके ज्यादा पॉजिटिव साइड है, और उसमें से एक ये है कि जो वीजा प्रोसेसिंग के डिलेज चल रहे हैं पिछले कुछ टाइम में, उसको हेल्प करेगा, उसको स्पीड अप कर देगा प्रोसेस को, बिकॉज अब एजुकेशन से रिलेटेड फ्रॉड को रिड्यूस कर दिया जाएगा। अभी तक क्या था कि सारा का सारा फ्री चल रहा था प्रोसेस जर्मनी का, कि भाई अपने बस एजुकेशन डॉक्यूमेंट जर्मनी की एम्बेसी को भेज दो, अगर लक निकल गया बाय चांस तुम्हारे डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट पकड़े नहीं गए, तो जर्मनी चले जाओ, ऐश कर लो, वहां जाके पढ़ाई करो ना करो, तो कुछ ना कुछ नौकरी करके वहां सेटल हो जाएंगे। इस तरीके से लोग बहुत ज्यादा एजेंट के थ्रू एंड बहुत सारे लोग अप्लाई करने लग गए थे। बट जर्मन एम्बेसी की इस मास्टर स्ट्रोक से अब क्या हो गया कि अब 18,000 रुपए लगाने की वजह से अब फेक डॉक्यूमेंट लगाने वाले डरेंगे कि भाई 18,000 रुपए दे भी दें और उनका डॉक्यूमेंट अप्रूव ना हो तो पैसे डूब भी जाएंगे। तो पहली बात है, फीस लगाते ही जो फेक डॉक्यूमेंट सबमिशन वाला काम है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होने की वजह से जो एपीएससी इंडिया है, ये बेटर तरीके से जो ये ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है इसको ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हैंडल कर पाएगी। और अनदर पॉजिटिव फैक्टर इज बिकॉज डार्ट के साथ में कोलैबोरेशन है जर्मनी की एम्बेसी का इस प्रोसेस के लिए, तो इसका मतलब यह है कि जो पहले डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन 2 जगह होती थी, कि यूनिवर्सिटी भी करती थी, एम्बेसी अलग करती थी, और बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर रिडंडेंसी होती थी, तो बेसिकली अब ये दोनों डिपार्टमेंट इन फ्यूचर कोलैबोरेट करके सिंगल जगह ऑथेंटिकेशन कर देंगे, तो उससे वैसे ही जो एक काम है और वर्कलोड है वो
रिड्यूस भी हो जाएगा। एंड इसलिए हाई चांस है कि यूनिवर्सिटी भी फ्यूचर के अंदर एपीएससी सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर देंगी एंड साथ में आपको सेपरेट एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए, बिकॉज एपीएससी जो सर्टिफिकेट होगा वही अपने में प्रूफ इनफ होगा आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट की ऑथेंटिकेशन के लिए। देन एक और पॉजिटिव चीज इससे ये हो सकती है, हो सकता है इसका आपका वीजा का जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस हो जाए, जो आपको डॉक्यूमेंट्स एक बार एपीएससी सर्टिफिकेट के लिए देने पड़े मे बी आपको वीजा के लिए मे बी दोबारा ना देने पड़े और आपको बस एपीएससी सर्टिफिकेट अटैच करना पड़े। तो जैसे कि अगर आप अपने लैंग्वेज सर्टिफिकेशन एपीएससी सर्टिफिकेट के अंदर अटैच कर लेते हैं एंड आपके जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके क्लास 10th 12th या फिर आपके बैचलर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, हो सकता है आपको ये सारे रिसबमिट ना करने पड़े। आई मीन आइडियली तो रिसबमिट नहीं करने चाहिए, बिकॉज जब एपीएससी सर्टिफिकेशन वालों को एक बार वो सेम डॉक्यूमेंट दे दिए और उसके अगेंस्ट आपको एपीएससी सर्टिफिकेट मिल गया तो एम्बेसी का काम बस एपीएससी सर्टिफिकेट से चल जाना चाहिए। बट नेवर अंडर एस्टिमेट द जर्मन ब्यूरोक्रेसी, तो कुछ भी हो सकता है। आइडियली तो दोबारा डॉक्यूमेंट नहीं मांगने चाहिए, बट मांग भी सकते हैं, दे देंगे अपना क्या जा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट आउट तो निकालने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिल रही है सारे सिचुएशन के अंदर वो ये है कि जो जर्मनी के अंदर इंडियन एप्लीकेशंस हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, साथ में जो जर्मनी के अंदर डिमांड है इंडिया के टैलेंट की, जो एक्सटर्नल स्टूडेंट्स की और जो स्किल की कमी है वो बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स के फेवर में है, इंडियन प्रोफेशनल के फेवर में चल रहा है, विच शोज की जो अपॉर्चुनिटीज इन जर्मन मार्केट आर रेगुलरली इंक्रीजिंग एंड दे आर डेफिनेटली सेट टू इंक्रीज अगले कुछ सालों तक। जो ये अपॉर्चुनिटी है बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो पिछले कुछ टाइम में दूसरी कुछ कंट्रीज थी जो इस तरीके की गोल्डन अपॉर्चुनिटी देती थी, 4-5 साल पहले कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएस के अंदर इस तरीके की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होती थी। आज के टाइम में कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूएस जो है थोड़े से ना स्लो हो गए हैं प्रोग्रेस, उनके अंदर जो डिमांड है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई है रिलेटिवली, वेयर जो जर्मनी है पहले थोड़ा स्लो चल रहा था बट अब एक साथ जो जर्मनी में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इंडियन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल के लिए वो बहुत ज्यादा हाई है। तो डेफिनेटली आई सी दिस स्टेप एज अ मोर ऑफ पॉजिटिव साइन देन नेगेटिव साइन, बिकॉज इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। हां डेफिनेटली एक प्रोसेस एक्स्ट्रा इंक्रीज बट वो बेसिकली 15% जो फ्रॉड केसेस हैं उनको हटाने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, जिससे कि वो बाकी के 85% जो जेन्युइन एप्लीकेशन है उनको इतना ज्यादा डिले ना फेस करना पड़े और उनका जो प्रोसेसिंग है वो स्मूथली चलता रहे। इफ यू हैव एनी कमेंट्स और क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई टू यू। एंड अगले वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेस्ट एएस की, एपीएससी सर्टिफिकेशन के अंदर टेस्ट एएस का क्या रोल है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस केस में मैंडेटरी है, कब से मैंडेटरी है, तो इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। बिस स्पेटर।